देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉस x, x बिलोंग्स टू द 0 टू 2 पाई वेयर ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम ये जानते हैं कि यहां पर हमने साइन x और कॉस x का ग्राफ प्लॉट किया है कि हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों फंक्शन में, क्योंकि ये fx क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ sin x एंड cos x का, कि दोनों फंक्शन जो हैं वो किन किन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वहां पर वो डिफरेंशिएबिलिटी की कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। अब इसको देखते हैं कि 0 टू यहां तक ये यहां पर नहीं, 0 से पाई बाई 2 पर ब्रेक हो जाएगा, पाई बाई 2 क्या होगा, sin पाई बाई 2 1 और 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और यहां तक की वैल्यू क्या होगी 0, यहां तक की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका एक ये डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है पाई बाई 2। सिमिलर यहां से हम जब चलेंगे तो पाई 2 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो यहां से ये वैल्यू यहां पर आते हुए 3 पाई बाई 2 की माइनस वन आ जाएंगे, ये यहां से लेकर यहां तक सब पे क्या देगा 3 पाई बाई 2 देगा, इन पाई पे क्या देगा वो फिर से 0 देगा। तो सिंपल वे में ये हमारा जो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा फिर से ब्रेक करेगा वो पाई पे ब्रेक करेगा और फिर लास्ट में क्या आएगा वो 2 पाई। तो ये तीन पॉइंट मिले हमें, यहां पर साइन एक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, साइन एक्स ग्रेट विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कॉस एक्स को देखेंगे तो कॉस एक्स में यहां पर तो 1 आएगा लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे तो कहां जाएगा 0 पे जाएंगे, तो क्या आएगा पहला 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, दूसरा पाई बाई 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तीसरा यहां से लेकर ये वैल्यू जितनी भी हम देंगे तो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक यहां पर वो पाई पे नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि वो वैल्यू माइनस 1 ही आएगी, तो ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2 पर नेक्स्ट और फिर 2 पाई पर। तो ये टोटल डिसकॉन्टिन्यूअस, अब कॉम्बिनेशन जो है fx वो sin x cos x का है, तो काउंट कर लेंगे 0 पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो ये कितने एक पॉइंट हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5, तो आंसर क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ, यहां पर वो डिसकॉन्ट नॉन डिफरेंशिएबल होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हो गए 5।